जीवन में अगर सबसे आसान काम कुछ होता है तो वो है दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के माथे पर फोड़ देना। यही तो आता है हमें। आपके स्क्रीन पर आ रही वीडियो इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता करती है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। ये तस्वीरें झारखंड के देवघर के त्रिकुटी पहाड़ की हैं, जहां रामनवमी के दिन त्रिकुटी पहाड़ पर घूमने गए लोग रोपवे पर ही फंस गए और प्रशासन की बदहाली तो देखो, रात भर लोगों को रोपवे पर अटका छोड़ दिया और अगले दिन सुबह में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बात यही खत्म नहीं होती है। रेस्क्यू के दौरान जब हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा था तो एक बड़ा हादसा देखने को मिला। जब वायुसेना रोपवे में फंसे लोगों को वहां से निकाल रही थी, उस दौरान हेलीकॉप्टर से एक शख्स के गिरने की खबर आई। जानकारी के अनुसार बचाव के दौरान एक व्यक्ति को ट्रॉली से निकालकर हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा था और इसी दौरान उसका हाथ जो है वो छूट गया और वो खाई में जाकर के गिर गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। त्रिकुटी पहाड़ पर हुए इस हादसे के बाद लोगों को बचाने का काम एयरफोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम ने संभाल रखा है। जानकारी के अनुसार रामनवमी के दिन हजारों की तादाद में त्रिकुटी पहाड़ में लोग घूमने आए थे। वहां का रोपवे लोगों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि त्योहार के दिन उसी रोपवे के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। त्रिकुटी पहाड़ में रोपवे की कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, इसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। रामनवमी को लेकर यहां पूजा करने और घूमने के लिए सैकड़ों की तादाद में पर्यटन पहुंचे थे। लोग रोपवे पर बैठे हादसे के बाद 18 ट्रॉलियों में 48 लोग फंसे हुए थे, जिनको लगातार एनडीआरएफ की टीम बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी बीच हेलीकॉप्टर से एक शख्स को निकालते हुए एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रॉली से जब उसे नीचे उतारा जा रहा था, तभी उसका जो हाथ है वो हेलीकॉप्टर से छूट गया और वो नीचे खाई में गिर गया। इस पूरे हादसे को देखकर बस जहन में एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? इसमें लापरवाही किसकी थी और बीच बचाव का जो कार्य है वो इतने देर से, जो ये ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन, वो इतनी देर से शुरू क्यों हुआ? ऐसे तमाम बड़े विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए, न्यूज अपडेट्स जानने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके इस वीडियो को लेकर अपनी राय भी रख सकते हैं, अपनी बात को भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।